तो अब हम लोग असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं. द फूड चार्जेस इन अ हॉस्टल आर एज फॉलोज. फॉर द फर्स्ट डे द चार्जेस आर ₹100. फॉर द सब्सिक्वेंट डेज इट इज़ ₹50 पर डे. टेकिंग द नंबर ऑफ डेज एज एक्स एंड टोटल चार्जेस एज वाई. राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. सो देखो जो इन्फो है उसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. फॉर द फर्स्ट डे द चार्जेस आर ₹100. तो हॉस्टल में लेट्स से द पर्सन इज हैविंग फूड फॉर एक्स डेज. फॉर द फर्स्ट डे ₹100 लग रहा है. सेकेंड डे पे जैसे ही जाते हो सब्सिक्वेंट डेज पे इट इज़ ₹50 पर डे. थर्ड डे के लिए भी जो रेट है इट इज़ ₹50. फोर्थ डे पे भी इट इज़ ₹50 एंड सो ऑन. अब देखो टोटल एक्स डेज है तो पहला दिन अगर आप हटा दो तो बचे कितने दिन. एक्स माइनस वन डेज. हर दिन का ₹50 लग रहा है तो एक्स माइनस वन डेज का टोटल कितना लगेगा. 50 × x-1. तो ये तो x माइनस वन डेज के चार्जेस हो गए. पहले दिन के 100 भी है तो पहले दिन के 100 ऐड कर दो. दिस इज़ द टोटल चार्ज, टोटल मनी रिक्वायर्ड टू ईट फॉर x डेज. ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करो y का वैल्यू क्या आएगा. y आएगा 100 प्लस 50x-50. सो यू गेट 50 + 50x. y को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 50x-y + 50. उन्होंने आंसर में यही दिया हुआ है. दिस इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब इसको करेंगे प्लॉट. तो उसके लिए पहले हमको कुछ पॉइंट्स इसके निकालने होंगे. लेट्स से ये वाला जो इक्वेशन है इसको कंसिडर किया जाए और अगर आप x का वैल्यू इसमें 0 पुटअप करो तो y का वैल्यू आएगा 50. फिर x का वैल्यू अगर आप -1 पुटअप करो तो y का वैल्यू आएगा 0. तो दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए. इन दोनों को करेंगे प्लॉट. अब दिख रहा है कि y के जो वैल्यूज़ है 50 और 0. 50 मतलब y को स्केल डाउन करना पड़ेगा, x को स्केल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्केल ऐसा लेंगे प्लॉट करते वक्त ऑन एक्स एक्सिस. ऑन एक्स एक्सिस 1 cm इज इक्वल टू 1 day एंड ऑन y एक्सिस 1 cm इज लेट्स से ₹10. और फिर इसका प्लॉट बनाएंगे हम लोग. सो नाउ दिस इज हाउ इट विल बी. x एक्सिस y एक्सिस. x मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेज, y इज रिप्रेजेंटिंग द रेट. सो दिस इज 0, 1, 2, 3. दिस इज -1 एंड दिस इज 0, 1. अभी इधर हमने क्या किया है 1 cm को ₹10 लिया है तो ये होगा 10, 20, 30, 40 and 50. तो पहला पॉइंट हमको क्या मिला, x इज 0, y इज 50. तो व्हेन x इज 0, y इज 50 एंड व्हेन x इज -1, y इज 0. x इज -1, y इज 0. तो ये दो पॉइंट्स मिल गए. इसको हम लोग करेंगे प्लॉट, ज्वाइन कर देंगे इनको और साइड में इक्वेशन भी लिख देंगे. तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू 50 + 50x. तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है. तो वी आर गिवन 4/5 इंटू एक्स प्लस 5/6 -2/3 इंटू एक्स -1/4 इज इक्वल टू 1/6. नाउ वैसे तो इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो बट हमको क्या करना है इसमें बहुत फास्ट स्टेप्स लिखने हैं. फास्ट स्टेप्स कैसे लिखेंगे, देखो अगर मैं डायरेक्टली पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा तो x का कोएफिशिएंट यहाँ से कितना आएगा 4/5. यहाँ पे -2/3 भी x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आएगा -2/3. तो x का कोएफिशिएंट कंप्लीट हो गया. फिर हम लोग रिमेनिंग टर्म्स लिखेंगे प्लस 4/5 5/6 से मल्टीप्लाई होगा
तो 5 5 कैंसिल आउट होके यहाँ पे आएगा 4 बाय 6। फिर ये -2 बाय 3 को अंदर शिफ्ट कर दो, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे आएगा +2 बाय 3 × 1 बाय 4 इज इक्वल टू, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 1 बाय 6। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 6 × 1 = 6, +1 करना होता है 7, तो 7 बाय 6। ना इसको सॉल्व करते हैं आगे, x इंटू ये 3 इधर मल्टीप्लाई करो, 4 3 = 12, -5 इधर मल्टीप्लाई करो, 5 2 = 10, ÷15, प्लस यहाँ पे आएगा 2 बाय 3, प्लस यहाँ पे आएगा 1 बाय 2 2, एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा, 3 2 = 6 इज इक्वल टू 7 बाय 6, ये आ जाएगा। सो x इंटू 2 बाय 15 +2 बाय 3 इज इक्वल टू 7 - 1 बाय 6, ये 1 बाय 6 हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल बी 6 upon 6 विच इज़ 1, तो x इंटू 2 बाय 15 +2 बाय 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से x इंटू 2 बाय 15 कितना आएगा, 1 - 2 बाय 3, 3 को इधर मल्टीप्लाई करो, 3 - 2 = 1, सो 1 बाय 3, x इंटू 2 बाय 15 इज 1 बाय 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 इधर शिफ्ट कर दो, 2 नीचे शिफ्ट कर दो, सो दिस इज 5 बाय 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th लिखा हुआ है जो यहाँ पे, सॉल्व 4 बाय 5 एक्स प्लस, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, चलो ठीक है, अभी 6th पे आना है हमको, वर्ड प्रॉब्लम है। तो इट्स गिवन दैट 27 रुपीज़ इज इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स, द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स बट हाफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। फाइन, सो ये दिया है कि 27 रुपीज़ जो है वो कॉम्पोनेंट वाइज फॉर्म हुआ है, देर इज 50 पैसे कॉइन्स एंड देर आर सम 25 पैसे कॉइन्स एंड 20 पैसे कॉइन्स। पहले तो हमको इन डिनोमिनेशंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में, ओके, सो नाउ वी नो दैट 1 रुपी इज 100 पैसे, तो यहाँ से 1 पैसे कितना होगा, 1 पैसे इज 1 बाय 100 रुपीज़। हमको 50 पैसे की वैल्यू निकालनी है, तो इधर 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 बाय 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 50 पैसे, तो 50 पैसे का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/2 रुपी, तो यहाँ पे इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 1/2 रुपी। सेम चीज़ हम लोग रन करेंगे आगे, हम लोग इस रिलेशन को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 बाय 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 25 पैसे, सो 25 पैसे का जो वैल्यू है, डिनोमिनेशन है, वो है 1/4 रुपीज़, सो दिस इज़ अगेन 1/4 रुपीज़। फिर इसको हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर 20 बाय 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 20 पैसे, तो 20 पैसे का जो रुपी इक्विवेलेंट है वो होगा 20 पैसे इज इक्वल टू 1/5 रुपी, 20 पैसे इज 1/5 रुपी, तो यहाँ पे आएगा 1/5 रुपी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि इसके x कॉइन्स है, इसके y कॉइन्स है और इसके z कॉइन्स है, ठीक है। नाउ x कॉइन्स है, हर कॉइन की जो वैल्यू है वो है 1/2 रुपी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इन x कॉइन्स का इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितना होगा, देखो एक कॉइन की वैल्यू इतनी है, तो x कॉइन्स की कितनी होगी, x/2 प्लस एक कॉइन की वैल्यू 1/4 रुपी है, तो y कॉइन्स की कितनी होगी, y × 1/4 मतलब y/4 प्लस एक कॉइन की 1/5 रुपी वैल्यू है, तो z कॉइन्स की कितनी होगी z/5। तो टोटल कॉइन्स की जो मनी वैल्यू है अगर आप वो निकालो तो वो इतनी है,
बट टोटल मनी वैल्यू कितनी दी हुई है, 27 रुपीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। इसको हमको सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे x अपॉन 2 प्लस, अब देखो हमारे पास इन कॉइन्स के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कॉइन्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, पहला स्टेटमेंट जो है नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, मतलब y की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं वो भी लिखते जाता हूँ, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स मतलब y इज डबल द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स, 20 पैसे कॉइन्स के z है, तो इट इज़ डबल द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स, 20 पैसे कॉइन्स हमारे पास z है, तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स मतलब y इज डबल द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स मतलब z। ये एक इक्वेशन आ गया। उसके बाद ये दिया है बट हाफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, मतलब y इज हाफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स x है हमारे पास, तो ये एक रिलेशन आ गई। हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। हमारे पास ये दो रिलेशंस हैं, फिर ये भी एक रिलेशन है। हम लोग क्या करेंगे, z का वैल्यू पुट करेंगे इधर। z का वैल्यू क्या है, y बाय 2, और x का वैल्यू क्या है, 2y। तो x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2y, डिवीजन में है 2, प्लस y को चेंज नहीं करेंगे, y बाय 4, प्लस z पुट अप करेंगे, z है y बाय 2, तो यहाँ पे आएगा y बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 27। यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, y कॉमन निकालेंगे तो 2 अपॉन 2 क्या होगा, 1, प्लस ये y हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ पे आएगा 1 बाय 4, प्लस ये y हमने कॉमन निकाला तो 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है, 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 1 बाय 10 इज इक्वल टू 27। आगे सॉल्व करते हैं, y इंटू 4 वन ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, तो 5 बाय 4 आएगा प्लस 1 बाय 10 इज इक्वल टू 27। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, y बाय 2, 2 कॉमन निकाल दो तो 5 बाय 2 आ जाएगा प्लस 1 बाय 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे आएगा y बाय 2 इंटू 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2, 5 टू ज़ा 10 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे आएगा y बाय 20 इंटू 27 इज इक्वल टू 27, 27 27 विल कैंसिल आउट एंड विल गेट y इज इक्वल टू 20। y क्या था, देखो y मतलब 25 पैसे कॉइन्स का काउंट, तो ये 20 आया, दिस इज 20। नाउ इफ y इज 20, व्हाट इज z, z इज 20 अपॉन 2 दैट इज 10, तो z का वैल्यू है 10। एंड देन व्हाट इज x, x इज 2y, y अगर 20 आया तो x का वैल्यू कितना होगा, इसका डबल 40। तो आ गया हमारे पास इंडिविजुअल कॉइन्स का काउंट आ गया, 50 पैसे के 40 कॉइन्स है, 25 पैसे के 20 कॉइन्स है, और 20 पैसे के z कॉइन्स है। ओके, तो यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूँ, 50 पैसे के 40 कॉइन्स है, 25 पैसे के 20 कॉइन्स है, एंड 20 पैसे के 10 कॉइन्स है। ओके, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज टू टाइम्स अ डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 27 लेस दैन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। ओके, तो इट्स गिवन दैट अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, तो एक नंबर है जिसमें दो डिजिट्स है, लेट्स से वो टू डिजिट नंबर है एक्स वाई। यहाँ पे साइड में मैं एग्जांपल भी लेते जाऊँगा, तो लेट्स से टू डिजिट नंबर अगर हम लोग 26 लेते हैं, ठीक है, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज टू टाइम्स द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस, डिजिट की बात हो रही है, डिजिट एट टेंस प्लेस मतलब एक्स इज टू टाइम्स द डिजिट्स, डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस पे y है, तो ये हमको दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर आप रिवर्स कर देते हो, उल्टा कर देते हो y x, ऐसा नंबर बना देते हो, इज 27 लेस, मतलब ये मैग्नीट्यूड वाइज इससे 27 लेस है,
देन द ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है, रिवर्स कर दिया तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना वो ओरिजिनल से 27 लेस है, मतलब एक्स वाई का सब्ट्रैक्शन अगर आप वाई एक्स से लगाओगे तो वो होगा 27। फाइंड द नंबर, हमको ये नंबर जो है वो निकालना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड 26 अगर जो नंबर हम लोग लिखते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 20 + 6 मीनिंग इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 × 10 + 6 इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 10 + 6 × 1 क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 6 यूनिट प्लेस का नंबर है तो यूनिटी से उसको मल्टीप्लाई किया है, मतलब यूनिट से, यूनिट मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया है। 2 टेंस प्लेस का नंबर है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ये एक्स वाई और वाई एक्स इसको अभी आप डील नहीं कर सकते, डील करने के लिए आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो x जो है वो टेंस प्लेस का नंबर है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, और y यूनिट्स प्लेस का नंबर है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे रन करेंगे, 10 मल्टीप्लाई होगा y से और 1 मल्टीप्लाई होगा x से, इज इक्वल टू 27। तो 10x माइनस x 9x, y माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 27। तो x माइनस y का वैल्यू कितना आएगा, 3। यहाँ पे हमारे पास एक और इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2y माइनस y इज इक्वल टू 3, यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट अप करो, 3 × 2 = 6 तो x का वैल्यू 6, सो दैट रिक्वायर्ड नंबर इज 63। 63 वो नंबर है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि टेंस प्लेस का नंबर डबल है यूनिट्स प्लेस के, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 63 का उल्टा कर दो क्या होगा, 36, और इनका सब्ट्रैक्शन लगाओगे तो वो आएगा 27। अच्छा अब लास्ट जो है हमको ये सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स, मतलब 3x + 2/7 + 4 × x + 1/5 = 2/3 × 2x + 1। अब अगर मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूं, x का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 3/7 यहाँ से आएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4/5 यहाँ से आएगा, बचा हुआ टर्म क्या है, 2/7 यहाँ पे एंड 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4/5 यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करेंगे, राइट हैंड साइड पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 × 2 = 2 × 4/3 × 1 = 2/3 ये आ जाएगा। तो x का अब इफेक्टिव कोएफिशिएंट कितना होगा, 3/7 + 4/5 ये टर्म लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो होगा −4/3 = 2/3 एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे रखेंगे, बट ये और ये टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, −2/7 − 4/5। अब हमको इसको करना है सॉल्व, ठीक है। सो x × 3/7 + 4 इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, 3 इधर 5 इधर, सो 3 − 5/5 = 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 हम लोग कॉमन निकालेंगे, ये 2 इन दोनों में से कॉमन निकाला, 7 इधर − 3 इधर / 7 × 3 = 21 −4/5। सो वी हैव x × 3/7, 3 − 5 = −2, −2 × 4 = −8, −8/15 इज इक्वल टू 2 × इनका सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 4 × 4/21 −4/5। अब फिर से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 × 3 = 45 −7 × 8 = 56 / 7 × 15 इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों में से 4 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ पे आएगा 2/21 − 1/5। तो x × यहाँ पे कितना आएगा, −11/7 × 15 इज इक्वल टू 4 × 5 × 2 = 10 −21/21 × 5 तो x − 11/7 × 15 इज इक्वल टू 4 × −11/21 × 5
माइनस इलेवन दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा एंड विल गेट एक्स अपॉन 7 इंटू 15 इज इक्वल टू 4 बाय 21 इंटू 5 एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, ये 7 इंटू 15 इधर शिफ्ट कर दो, 4 इंटू 7 इंटू 15 बाय 21 इंटू 5, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 3 कैंसिल्स आउट एंड एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट ख़त्म होती है।